हरभजन जी हमारे साथ हैं। हरभजन जी बड़ा छक्का लगाया दिनेश भाट के ब्यूटिस्ट से, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल लेकर आएंगे और वो भी गोल्ड मेडल। बिल्कुल बहुत करीब थे गोल्ड मेडल की, और मैं ये कहूँगा कि लड़की हमारा बहुत सपोर्ट बनाया है, बनाया है इसका, और बहुत नाम ऊंचा किया। दूर रह जाना मेडल से, खेल के कोई दूर रह जाए तो समझ आती है, बट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना वो भी बहुत छोटे मार्जिन से, बहुत बताई ऐसी चीज़ है। इस मुश्किल वाली घड़ी में हम सब दिनेश के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम जो किसी आशा किरण है प्रधानमंत्री साहब ने बात करी है, और अगर किसी भी तरीके से औरत लेने का मौका मिलता है। सर ऐसा कोई नियम है? नियम तो नहीं, नियम तो नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, पर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कह रहे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है इसमें, क्योंकि कल तक उनका वेट पूरा था, वो सेमी फाइनल तक पहुंची, तब बिल्कुल था रातों रात 100 ग्राम वेट बढ़ना। वेट तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, देखिए 100-200 ग्राम फ्लक्चुएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमने देखा है कि वो जब आप खाते भी हो फिर भी चेक करते हो तो थोड़ा बहुत देर थी वो फ्लक्चुएट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट छोटे से मार्जिन के लिए खिलाड़ी को दूर कर देना कंपटीशन से, मुझे नहीं लगता है कि बारिश से उम्मीद है अभी भी। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि किसी भी तरीके से फाइनल खेलने का मौका मिले और उनके गले में हम गोल्ड मेडल देखें, और हमारे लिए वो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी खेलने का मौका अब मिले या नहीं मिले, बट हमारे लिए यही है कि उन्होंने हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, और यही उम्मीद करते हैं कि बस एक बार खेलने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सिंह, जो कह रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। उम्मीद की छोटी किरण है लेकिन अभी भी, लेकिन उम्मीद बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बात की है तो शायद वो उनको गोल्ड मेडल या फाइनल खेलने का मौका मिल सके। जितेंद्र शर्मा दिल्ली। हरभजन जी हमारे साथ हैं। हरभजन जी बड़ा छक्का लगाया दिनेश भाट के ब्यूटिस्ट से, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल लेकर आएंगे और वो भी गोल्ड मेडल। बिल्कुल बहुत करीब थे गोल्ड मेडल की, और मैं ये कहूँगा कि लड़की ने हमारा बहुत सपोर्ट बनाया है इसका, और बहुत नाम ऊंचा किया। दूर रह जाना मेडल से, खेल के कोई दूर रह जाए तो समझ आती है, बट डिस्क्वालिफिकेशन जाना वो भी बहुत छोटे मार्जिन से, बहुत बताई ऐसी चीज़ है। इस मुश्किल वाली घड़ी में हम सब दिनेश के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो किसी आशा किरण है प्रधानमंत्री साहब ने बात करी है, और अगर किसी भी तरीके से औरत लेने का मौका मिलता है। सर ऐसा कोई नियम है? नियम तो नहीं, नियम तो नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, पर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कह रहे हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है इसमें, क्योंकि कल तक उनका वेट पूरा था, वो सेमी फाइनल तक पहुंची, तब बिल्कुल था रातों रात 100 ग्राम वेट बढ़ना। वेट तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, देखिए 100-200 ग्राम फ्लक्चुएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमने देखा है कि वो जब आप खाते भी हो फिर भी चेक करते हो तो थोड़ा बहुत देर थी वहाँ पर फ्लक्चुएट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट छोटे से मार्जिन के लिए खिलाड़ी को दूर कर देना कंपटीशन से, मुझे नहीं लगता है कि बारिश से। उम्मीद है अभी भी? मैं उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि किसी भी तरीके से फाइनल खेलने का मौका मिले और उनके गले में हम गोल्ड मेडल देखें, और हमारे लिए वो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी खेलने का मौका अब मिले या नहीं मिले, बट हमारे लिए यही है कि उन्होंने हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, और यही उम्मीद करते हैं कि बस एक बार खेलने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सिंह, जो कह रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। उम्मीद की छोटी किरण है लेकिन अभी भी, लेकिन उम्मीद बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बात की है तो शायद वो उनको गोल्ड मेडल या फाइनल खेलने का मौका मिल सके। जितेंद्र शर्मा दिल्ली।